ऋतिक कंगना स्कैंडल में आया नया मोड़। ऋतिक के लीगल नोटिस का मुंह तोड़ जवाब देने वाली कंगना ने साध ली है चुप्पी। You know, sometimes you guys have to allow that sort of personal space to celebrities also. मीडिया ने एक बार नहीं कई बार कंगना से ऋतिक और उनके स्कैंडल पर बात करने की कोशिश की। You know, sometimes you guys have to allow that sort of personal space to celebrities also. It can be very overwhelming for like strong just doesn't mean you walk through life without being affected or intimidated or so being strong means that standing up against things in spite of all of this. So you've got to give us a little bit personal space. It's not that I won't talk about it, I will, but as of now please grant me that space and let's talk about what we are talking about. वैसे आज ही नहीं कल शाम भी जूम के कैमरा ने कंगना रनौत को एक्सक्लूसिवली एयरपोर्ट पर कैप्चर किया, लेकिन यहाँ भी कंगना ने एक शब्द भी नहीं कहा। देखिए कैसे कंगना एयरपोर्ट से अपनी सिस्टर के साथ निकली और हड़बड़ी में जाकर गाड़ी में बैठ गई। हमने कंगना से इस पूरी कंट्रोवर्सी पर सवाल करने की कोशिश भी की, लेकिन कंगना ने ठान रखा था कि वो कुछ भी नहीं बोलेंगी। ऋतिक कंगना का लीगल वॉर अलग ही लेवल पर पहुंच चुका है। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है इस पूरे मुद्दे पर कंगना या फिर ऋतिक का क्या कहना है, लेकिन इन दोनों ही स्टार्स ने अचानक इस पूरे मामले पर चुप्पी साध ली है। जहां ऋतिक इस वक्त स्पेन में छुट्टी मना रहे हैं, वहीं कंगना मीडिया के सामने होने के बावजूद कोई जवाब नहीं देना चाहती। You know, sometimes you guys have to allow that sort of personal space to celebrities also. साफ है कंगना की ये चुप्पी अब कई और सवाल खड़े कर रही है। ऐसे में अब जब तक ये दोनों स्टार्स कुछ भी ऑफिशियली नहीं बोलते, मीडिया और इन स्टार्स का ये सवाल जवाब का सिलसिला चलता रहेगा। ज्योति सिंह के साथ प्रेरणा श्रीवास्तव, जूम, मुंबई।